जम्मू काश्मीरच्या बंदीपोरा जिल्ह्यात बीएसएफ आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली आहे. यात लष्कराचे 3 जवान जे आहेत ते शहीद झाले. बीएसएफचे हे 3 जवान होते, त्याचबरोबर एका दहशतवाद्याला मारण्यात यश आलंय. जिल्ह्यातील हाजिन परिसरात ही चकमक अजूनही सुरूच आहे. आज सकाळी दहशतवाद्यांनी अचानक गोळीबाराला सुरुवात केली. यात लष्कराचे जवान जखमी झाले आहेत. गुप्तचर यंत्रणांकडून हाजिन परिसरात दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती, त्यामुळे जवानांनी शोध मोहीम हाती घेतली होती. काल सुद्धा कुलगाममध्ये दहशतवादी आणि जवानांमध्ये चकमक झाली होती. बेगुनाह लोग यहाँ पे मर रहे हैं, चाहे वो सैनिक हो या सिविलियन हो. मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. किसी न किसी को जिम्मेदारी, पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलना चाहिए. तकरीबन सॉफ्टर टारगेट है और पाकिस्तान की कोशिश है कि तरस के माध्यम से, घुसपैठियों के माध्यम से इस इलाके के ऊपर, फौज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए, क्योंकि ये पिछले 3 महीने में इसी इलाके में तीसरा या चौथा इनकाउंटर है. इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि ये फ्रेश इंट्रूजन के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो पहले ही घुसपैठिए छुपाए हुए हैं उनके माध्यम से लार्ज स्केल फ्लशिंग की आवश्यकता है, जैसे कि उरी के हमले के बाद में आपने उस इलाके में की.